हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, साथ ही हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, सेंट्रिपेटल फोर्स की, स्पीड एंड वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये तीन टॉपिक भी हम इसके साथ पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। Why study circular motion? देखो, circular motion को define करने से पहले, समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि circular motion की study हम क्यों करते हैं। To understand motion of planets, motion of electrons around the nucleus, motion of giant wheel, motion of space stations, motion of moon and satellite, इन सभी की मोशन को समझने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए हमें सर्कुलर मोशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। इट इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ कंप्लीट सर्किल और पार्ट ऑफ अ सर्किल। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, एक सर्कुलर मोशन में मोशन करता हुआ उसी जगह आ जाता है, तो एक सर्किल कंप्लीट हो गया, तो ये भी उसकी मोशन है, एक सर्कुलर मोशन। लेकिन एक मिड पॉइंट के से हम एक रेडियस ले लेते हैं, स्मॉल आर रेडियस ले लेते हैं, और उस मिड पॉइंट से हम एक आर्क भी अगर बनाते हैं, तो वो आर्क भी यानी पार्ट ऑफ ए सर्किल भी क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। For circular motion, it is not necessary that the body should complete a full circle. एक full circle complete करना ज़रूरी नहीं है। Even motion along arc of a circle is a circular motion. How do we locate something on a circle? Give its angular position theta. देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये x and y direction में हमने एक circular motion को explain किया है। What is the location of star? Star की location क्या है, ये क्या है, 90 degree पर है, या फिर हम इसको pi by 2 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको किस तरह से हम define कर रहे हैं, ये theta है initial, ये theta है final, दोनों के बीच में ये delta theta क्या बना रहा है, ये delta theta इन दोनों के बीच का angle है। तो हम स्टार्ट करेंगे, हमें बताना है कि ये जो स्टार है उसकी पोजिशन क्या है, वो किस थीटा एंगल पर लोकेटेड है। तो हम इसका मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं 0 degree से। तो यहाँ पर एक्स पर थीटा क्या है, 0 degree है। इसको वाई तक पहुँचने में कितना एंगल बनाना पड़ा, तो वो एंगल क्या है, ये पूरा का पूरा जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना है, वो 90 degree का है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो 90 degree या फिर पाई बाई टू एंगल पर लोकेटेड है। थीटा इज़ द एंगुलर पोजिशन। ये थीटा क्या है, ये लीनियर पोजिशन नहीं है, ये एक एंगुलर पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एफ, मतलब सॉरी, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। तो थीटा फाइनल कहाँ तक पहुँचा, यहाँ 0 degree से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक थीटा एंगल गया है और इनिशियल थीटा एंगल क्या है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल्स टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज, ये क्या है, मेजर किया जाता है क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनल है और फाइनल माइनस हम इनिशियल करेंगे तो हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। आर नेगेटिव, और ये कैसा होगा, एक नेगेटिव होगा, लेकिन अगर हम क्या करें, एंड एंगल मेजर्ड CCW यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो वह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 degree, 1 revolution, वन एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितने डिग्री का एंगल बनाना होगा, 360 degree या फिर 2 पाई रेडियन का एंगल हमें बनाना होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर। इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज़ ए, इनिशियल पोजिशन क्या है, ए है। फाइनल पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज़ बी, फाइनल पोजिशन बी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज़ नेगेटिव, यानी कि हमें कैसा जाना है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, तो यहाँ थीटा एंगल कितना है और यहाँ कितना है, तो हम करेंगे इसको माइनस, यानी बी पोजीशन पे थीटा एंगल में से माइनस करेंगे हम ए पोजीशन का थीटा एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पर एक आर्क है ए बी एस और थीटा एंगल बन रहा है आर है रेडियस, तो ये जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से डिफाइन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ जो आर्क है वो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल इनटू रेडियस। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इस आर्क को बता रहा है। आर्क लेंथ कितनी है, एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। डेल्टा थीटा इज अ रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, इट इज अ डायमेंशनलेस रेशियो, दिस इज अ रेडियन मेजर ऑफ एंगल। इफ वी गो ऑल द वे राउंड एस इक्वल्स टू टू पाई आर, अगर हम एस यानी ये जो आर्क था उसको क्या कर दे, कंप्लीट मेजर करना चाहें, तो कंप्लीट अगर मेजर करेंगे तो कितना होगा, वो इसके सर्क्यूमफेरेंस आएगी जो कि कितनी होती है, टू पाई आर होती है। एंड डेल्टा थीटा यानी एंगल जो है वो कितना आएगा, टू पाई यानी कि 360 डिग्री आएगा। राइट हैंड रूल क्या है, देखिए, इफ़ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन, ये डायरेक्शन है रिवोल्यूशन की, अगर ये कैसी है, ये मुड़ी हुई है उंगलियाँ डायरेक्शन में, किसकी, कर्ल्ड जो डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन, किस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में ये उंगलियाँ जा रही है, तो ये जो थंब है वो किसको बताएगा। देन द आउट स्ट्रेस्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, ये किसको बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को बताएगा। उसी तरह से अगर ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ना होकर क्लॉकवाइज हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन को मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो इस तरह से स्प्रेड करनी है। अगर मुड़ी हुई उंगलियां इस तरह से रिवोल्यूशन की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो जो थंब है यानी वो नीचे की तरफ है वो किसको बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को डिफाइन करेगा। तो ये राइट हैंड रूल है। आर द फॉलोइंग मोशन सेम और डिफरेंट, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, द मोशन ऑफ द एंटायर सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, द मोशन ऑफ द एंटायर सेकेंड हैंड इज अ रोटेशनल मोशन। अब सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सिलरेटेड मोशन, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट एवरी मोमेंट, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ देयर मस्ट बी अ फोर्स टू प्रोड्यूस दिस एक्सिलरेशन, इस एक्सिलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स जरूरी होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स, देयरफॉर सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है जो कि होती है सेंट्रीपेटल फोर्स की। नो सेंट्रीपेटल फोर्स पॉजिटिव होगा ये ग्रेटर देन नो सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी एंड स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी इन टेंजेंट टू द सर्किल, द वेलोसिटी वैक्टर्स आर ऑल द सेम लेंथ। इज स्पीड चेंजिंग, नो स्पीड इज कॉन्स्टेंट, स्पीड इसमें कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम बात कर रहे हैं स्पीड की एंड वेलोसिटी की, तो स्पीड कैसी है, कॉन्स्टेंट। इज वेलोसिटी चेंजिंग, यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, यस वेलोसिटी इज चेंजिंग, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वैक्टर एंड अ डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। इसकी स्पीड तो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के साथ आती है, यानी अगर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, चेंज होगी। इज स्पीड चेंजिंग, नो स्पीड इज कॉन्स्टेंट। इज वेलोसिटी चेंजिंग, यस वेलोसिटी इज चेंजिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स के हम एग्जाम्पल देखते हैं। अ बॉडी टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में हम इस
स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल इससे बंधा हुआ है. सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग में टेंशन के द्वारा हम क्या करते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है इसको प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है. तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए इसको चाहिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स. एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, अदर एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर अ कार ट्रेवलिंग अराउंड अ सर्क्यूलर रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड, द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड. यहाँ एक स्टेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसके टायर्स पे, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स किससे प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए न्यूक्लियस के अराउंड, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो कहाँ से आता है, वो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण एंड इलेक्ट्रॉन के कारण, तो दोनों ही ओपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स काम करता है. यही इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सके. इन केस ऑफ द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून. ये कौन सा फोर्स होगा, ये एक फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब अर्थ एंड मून के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है मून को, जिसकी वजह से मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. सेंट्रीपेटल फोर्स, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये एक पार्टिकल पे काम करेगा जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है. एंड दिस फोर्स इज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल. ये किसके अलोंग होगा, सर्किल की रेडियस के अलोंग होगा. एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल है उसकी तरफ क्या होगा, वो डायरेक्टेड होगा. यानी सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करें तो वो तो सेंटर की तरफ होगा, और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो इसके ओपोजिट फोर्स होता है, जो कि सेंटर से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करता है. रिमेंबर, सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस काम करेगा, एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल. ये तीन पॉइंट्स आपको मेन है जो सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, प्रॉपर्टीज क्या क्या है. सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, एक रियल फोर्स है. सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स देर इज नो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल. सेंट्रीपेटल फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल. सेंट्रीपेटल फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क, ये कोई भी वर्क नहीं करता है. आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यानी कि जिस सर्किल में पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, उस सर्किल की रेडियस आर, पार्टिकल का मास जो चक्कर लगा रहा है और कितनी वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी ये आ जाएगी वेलोसिटी. तो ये किसके लिए काम करेगा, ये उसका मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और रेडियस पे डिपेंड करेगा. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. और होपफुली आपको ये सारी चीज़ें आज हमने जो समझी है वो इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी. अगर फिर भी आपके कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.